नमस्कार। कुछ दिन के बाद मैं आपका सामने मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक या डिसलाइक कीजिए। अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल का गरिमा बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा अगर आर्थिक मदद कर सकते हैं, अगर आप सक्षम तो कीजिए। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज महाभारत, कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का चौथा दिन है। एक्चुअली जब महाभारत हुआ था वो 18 दिन के लिए चला था, लेकिन अभी जो महाभारत चल रहा है ये सिर्फ 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। युद्ध जून 1 तारीख को ख़त्म होगा और 4 तारीख को इसका परिणाम निकलेगा। मैं हमारा इलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी एक महायुद्ध है। काफ़ी रथी महारथी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 3 फेज का वोटिंग हो चुका है, 283 सीट का वोटिंग हो चुका है और काफ़ी रथी महारथी का जो किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। आज चौथा फेज है, सवेरे 7 बजे से मतदान चल रहा है और ये 3 फेज से ये 4th फेज में डिफरेंस ये है कि आज ना मौसम का देवी थोड़ा मेहरबान है, ठंडी वंडी जो थोड़ा जो गर्मी वर्मी जो कम है, इट इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड ऑल, सो पीपल आर कमिंग आउट टू वोट। ये है 10 स्टेट में इलेक्शन होना है, चल रहा है, वोटिंग चल रहा है। अराउंड 96 सीट्स, उसमें बता दूँ द एंड होने वाला है 1 साथ आंध्र प्रदेश में, जो कि असेंबली और लोकसभा इलेक्शन कंप्लीटली एक गो में हो रहा है। तेलंगाना में टोटली 17 सीट्स का 1 साथ हो रहा है। अभी ये इस दौरे के बाद ये भी 2 एंड स्टेट में चले जाएंगे। 2 एंड स्टेट जो जिसमें चुनाव नहीं होना है, क्या क्या कौन कौन है? राजस्थान खत्म हो चुका है, कर्नाटका खत्म हो चुका है, गुजरात खत्म हो चुका है, और कोई बस ये 3 स्टेट इज ओवर। अब बाकी जो छोटे मोटे जो 1-2 सीट वाले हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है ये खत्म हो चुका है, और शायद आसाम भी इस दौर के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी एक्चुअली मैं थोड़ा रिकॉर्ड देख लेता हूँ, राजस्थान खत्म हो गया, नागालैंड छोटा मोटा ये मेघालय ये मणिपुर ये सब खत्म हो चुका है, झारखंड बाकी ये सब हो चुका है। तो आज फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये जुड़ जाएगा तो एंड लिस्ट में। तो इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, इसमें एक्चुअली इलेक्शन एनालिसिस आई एम नॉट सपोज टू प्रेडिक्ट एंड दिस थिंग, आई कैन गिव माय ओपिनियन आल्सो, बट ओपिनियन पोल मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आई गो अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टली गाइडेंस में जाऊँगा। एग्जिट पोल तो जून 1 तारीख को 6 बजे शाम 6 बजे से चालू हो जाएगा। अभी को जैसे सी वोटर है, CNX है, जो लोग एग्जिट पोल मैट्रिक्स है जो लोग करते हैं वो भी नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन जून 1 तारीख शाम 6 बजे के बाद सब खुल जाएगा पिटारा, और 4 जून को तो शाम तक कम को पता चल जाएगा कौन है क्या है। जो अभी प्रेडिक्शन है जो 283 सीट का जो है, तो जैसे अमित शाह जी क्लेम कर रहे हैं अराउंड 190 सीट बीजेपी जीत ले और NDA अराउंड 200 गठबंधन जो 210 तक पहुंच गया, वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, जो मैं सोचता हूँ,
उसमें बीजेपी अराउंड 180 टू 185 सीट तक जा चुका है, और ये जो अभी जो 96 सीट का चुनाव हो रहा है उसमें पिछली ये में देखा जाए तो बीजेपी को ओनली 42 सीट था, क्योंकि तेलंगाना जीरो, तेलंगाना ओनली 4 सीट था और आंध्रा में जीरो था, जीरो था। तो इस ये में आंध्रा में एटलीस्ट 3 सीट करीब इम्प्रूव होगा, तेलंगाना में और भी 3-4 से 3-7 होके इम्प्रूव हो सकता है, ये बीजेपी के प्रोस्पेक्ट है ये एरिया में। बाकी जो स्टैटिक है उड़ीसा में कुछ इम्प्रूवमेंट, आज उड़ीसा में भी यू नो शंख का बिगुल बज गया है, एक्चुअली महाभारत युद्ध में देखे होंगे ना, जब युद्ध लड़ाई होता था तब पूर्ण शंख होता था, उसके बाद लड़ाई चालू होता था दोनों साइड से, फिर सूर्यास्त का टाइम में युद्ध खत्म हो जाता था, उसके बाद कोई लड़ाई बड़ी नहीं होता। बीच में महाभारत युद्ध में एक दिन रात को दुर्योधन गदा दुर्योधन उसने लड़ाई बड़ी करके वो किया था काम, महाभारत युद्ध का ही है, द्रोण का यू नो युद्ध सेनापति दैट टाइम, नहीं तो जनरली ये होता है। तो उड़ीसा में भी आज 4 सीट है, कलाहांडी, नवरंगपुर, बरहमपुर, कोरापुट, ये 4 लोकसभा सीट में चुनाव चल रहा है, और 28 असेंबली सीट है, क्योंकि उड़ीसा में लोकसभा और असेंबली दोनों एक साथ होता है, जैसे आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो ये चुनाव चल रहा है अभी तक का ये है। बाकी चुनाव शाम को 6-7 बजे तक पता चल जाएगा वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है, उसमें काफ़ी यू नो इलेक्शन कमीशन कभी हर घंटे में देता है, बाद में फिर 3 दिन के बाद देता है, बोलते कि पोस्टल बैलेट नहीं आया, जो घर में बैठ के जो दिए हैं उनका नहीं आया। इलेक्शन कमीशन शुड बी मोर केयरफुल एक्चुअली, और कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहिए एक्चुअली, दे शुड बी मोर केयरफुल। ये अभी चुनाव का विशेषण है, और एक चीज थोड़ा देख लेते हैं, जितना जो 3 फेज का इलेक्शन हुआ है बीजेपी लूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं। राजस्थान में 2 से 3 सीट लूज कर रहे ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी लूज नहीं कर रहा है, शिंदे ग्रुप और अजित पवार ग्रुप उनका सीट कुछ कम होगा। बिहार में बीजेपी लूज नहीं करेगा, लेकिन जेडीयू का कुछ सीट कम होगा, लेकिन एलजेपी चिराग पासवान के ग्रुप जो है अपनी वो क्लीन साफ करेंगे। एक सीट डाउट है, कुशवाहा का सीट जो है वो डाउटफुल है, उसमें टॉफ है फाइट। बाकी बिहार में ये कंडीशन है, और कुछ सीट जो लूज करें कर्नाटक में, अराउंड 4 सीट कर्नाटक में बीजेपी लूज करेगा, ये तो श्योर है, पक्का पक्का। और उसके बाद तो उसको देखें गेन कहाँ करेगा, केरला में करेगा 2 या 3 सीट, तमिलनाडु में करेगा 3 या 4 सीट, और उड़ीसा में करेगा, वेस्ट बंगाल में। आज वेस्ट बंगाल में शायद 4 सीट का मैं देख लेता हूँ, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में आज 8 सीट का ये है, लास्ट टाइम बीजेपी को 18 सीट मिला था, इस टाइम पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब जैसे कि पोल प्रेडिक्टर कहते हैं 30 सीट 28 सीट ऐसे नहीं है। मेरा जो असेसमेंट है ये है 42 में से 18 में से और 4 सीट गेन करके 22 या 23 तक आएगा, इसमें भी गेन मिल जाएगा, जो उसका बीजेपी का जो लॉस है दूसरे जगह वो मेकअप हो जाएगा। बाकी इंडिया का सीट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू इंडिया में शामिल हो गए हैं, जो लोग ये है उनका सीट भी इंडिया में जाएगा। उसके बाद में बारे में हम बाद में एनालिसिस करेंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद। तो अभी इलेक्शन न्यूज इतना है, अभी थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं केजरीवाल का न्यूज़ का ऊपर, सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को लगा के थे लोअर कोर्ट से, राज्यसभा कोर्ट से लेकर एक अभिषेक मनु सिंघवी का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो भी आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़े,
हाई कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में लड़े, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़े। उनका जो प्ली था कि ईडी जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया तो ये गैर कानूनी है, उसको आप खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या किया, जो जजेस टू जज बेंच, संजीव खन्ना के ऊपर में थोड़ा इमीडिएटली बात ना हुआ, दीपंकर दत्ता, उन्होंने बोला कि आप अगर पार्टी का मुखिया है, आप तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप पार्टी का मुखिया है तो ठीक है, इलेक्शन प्रचार के लिए हम आपको जमानत देते हैं, लेकिन आपका एक मिनट में चार्ज हम खारिज नहीं करते, उसके बाद हम बाद में सुनवाई करेंगे, ठीक है, 21 दिन के लिए छोड़ गया। जैसे कि सजायाफ्ता मुजरिम जो है ना जेल में बंद है, उसके बाद भी उसको पैरोल मिलता है, कोई फैमिली में कोई डेथ हो गया, कोई शादी हो गया, उसका पैरोल मिलता है, वो सिस्टम है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है। तो उन्होंने क्या कि अंतरिम जमानत है, चलिए एक रॉन्ग प्रेसिडेंट है, जमानत तो मिलता था, चलिए ऐसे नहीं मिलता था, मेडिकल केस में मिलता था, अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स थे एक्यूज थे मेडिकल केस में मिलता था, कि यू नो घर में कोई डेथ हो गया और शादी विवाह, ये में जमानत देते थे, लेकिन पहली बार ये इंडियन हिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्री में एक पहली एक रॉन्ग प्रेसिडेंट शुरू है, कि इलेक्शन लड़ने के लिए भी एक पार्टी जो खुद एक आदमी जो खुद नहीं लड़ रहा है लेकिन अपना पार्टी का प्रचार के लिए लड़ रहा है उसको जमानत देना, ये एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट है। आप थोड़ा इतिहास का पन्ने को पीछे लौटाइए, जॉर्ज फर्नांडिस इमरजेंसी टाइम वो जेल में बंद थे, इलेक्शन का पर्चा दाखिल किया, इलेक्शन लड़ा और उस टाइम पर सबसे हाईएस्ट मार्जिन 4 लाख मार्जिन से जॉर्ज फर्नांडिस का जीत हुई थी, जो कि एक दिन में प्रचार नहीं किया। ये आगे आते हैं, जयललिता जी का क्या हुआ, उनको क्या बेल मिला था क्या, जगनमोहन रेड्डी उनको क्या बेल मिला था क्या, इवन येदुरप्पा जो बीजेपी का लीडर है उनको बेल मिला था क्या, चाहे इस साइड में चाहे उस साइड में है, किसी को बेल वगैरह कोर्ट नहीं देते थे। अभी लालू यादव को पैरोल में छोड़ रखे हैं, तो सजा यात्रा मुजरिम है, उनको कन्विक्शन है, उनको पेरोल में छोड़ोगे, और अभी वो पॉलिटिकल चालू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली यू नो वी नीड ए वेरी स्ट्रांग जुडिशियल रिफॉर्म एक्चुअली, ताकि इस तरह काम ना हो। अगर केजरीवाल को बेल मिलेगा तो हेमंत सोरेन को क्या गलती है, हेमंत सोरेन भी कल बेल के अप्लाई कर मिलेगा, के कविता टीआरएस की जो लड़की है वो भी शराब घोटाला में केजरीवाल का साथ साथी बन गई है, उनको क्यों बेल नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कल परसों डाल के हेमंत सोरेन कविता इनको बेल दे दिया जाए। और एक जो टेररिस्ट है, खालिस्तान टेररिस्ट है अमृत पाल सिंह, जो डिब्रूगढ़ असम का डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, हाँ वो भी अपना पंजाब में एक सीट में अपनी नॉमिनेशन दाखिल करते थे, वो भी लड़ेगा। अभी वो डाल रहे एप्लीकेशन दैट मैं भी लड़ रहा हूँ, आई एम द कैंडिडेट, सो मुझे भी बेल मैं छोड़ दो ताकि मैं प्रचार कर सकूँ। ये हालत है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट से ये हालत है। अभी सुप्रीम कोर्ट कैसे उनको बेल नहीं दे के रोकेगा ये देखने बात है। ये केजरीवाल को तो बेल दे दिया, बोला कि इज नॉट ए हैबिचुअल ऑफेंडर, होते होते गलती से हो गया, 100 करोड़ का कोई गलती छोटा गलती है क्या, होते होते हो गया बोल के दे गया। तो अभी आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म आएगा। मोदी जी एनडीए सरकार अभी 400 से ऊपर सीट लेके आएंगे और काफ़ी हार्ड डिसीजन आएगा, काफ़ी रिफॉर्म होगा। ये 4 जून का बाद आप लोग खुद देखेंगे, उसके बाद मैं तो वीडियो करता रहूँगा, उसके बाद वीडियो करूँगा। संजीव खन्ना के बारे में बात करता हूँ, इसके बाद मैं मेरा वीडियो क्लोज करूँगा, आज का वीडियो क्लोज करूँगा। संजीव खन्ना का पिताजी से एसडी खन्ना इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी ने
चार सीनियर जज को सुपरसीड करके इनका पिताजी को बना दिए चीफ जस्टिस। क्यों? इमरजेंसी को जस्टिफाई करना है और इमरजेंसी का टाइम में जबरदस्ती करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करके उसमें सेक्युलर, जो अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उसको सेक्युलर सोशलिस्ट दो वर्ड घुसा दिए और उसको जस्टिफाई कर दिए एच डी खन्ना ने, जिनको इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया था, तीन सीनियर जज को सुपरसीड करके। ओके, अभी बेटे का बारी आ गया, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उनका पिता जो है वह भी चंद्रचूड़, वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो थोड़ा सा यू नो आई शुड नॉट कमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजेस अंडर, आई मे ड्रॉ कंटेंप्ट अगेंस्ट दैट, बट स्टिल आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम गोइंग टू यू नो ही इज बिट ऑफ लेफ्टिस्ट माइंडेड थिंग्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड द पैरेंटल थिंग, वाई वी चंद्रचूड़ सी जो भी है। उन्होंने क्या किया कि जब कॉलेजियम ने भेजा अपना रिकमेंडेशन किसको सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो ये जो संजीव खन्ना है इनसे ऊपर हाईकोर्ट जजेस और यू नो जजेस का ये मैं हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का जजेस से नहीं होता, हाईकोर्ट का जजेस रहता है सीनियर बार मेंबर्स रहते हैं जिनका कुछ क्रेडिट रहता है, वो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट का जज ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, कोई भी बार से भी जा सकता है, हालांकि बार से बहुत लोग जाने के लिए रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि बार में जाके अगर जैसे अभिषेक सिंह मनोज सिंह भी ये 10-15 मिनट आधा घंटा का केस लड़ते हैं 20 लाख इनकम कर लेते हैं, लेकिन जजेस बन जाएंगे तो उनका तो लिमिटेड तनख्वाह हो जाएगा ना। बहुत लोग बाहर से जाते नहीं हैं लेकिन कुछ कुछ बाहर से भी जाते हैं, ये प्रोविजन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संजीव खन्ना जो दिल्ली हाईकोर्ट से आए हैं, उनको वाई वी चंद्रचूड़ डीओवी चंद्रचूड़ जो ये वाई वी चंद्रचूड़ जो उनका पिताजी थे उनका अंडर में वो जूनियर में काम कर चुके हैं, उनका चैम्बर में काम कर चुके हैं, उनको ले आया 32 सीनियर जजेस को सुपरसीड कर उनको ले आया। अभी ये बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ नवंबर में रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद वो ये बनने जा रहे हैं, हालांकि 6-7 महीने का टेंडर उनको रहेगा। 4 जुलाई को मोदी का सरकार आने के बाद जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, बहुत सारे रिफॉर्म हुआ, अब देखते हैं हर डिसीजन आएगा, हर डिसीजन आएगा। आप जुडिशियल में बैठे हो ठीक से काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करो, उनके दायरे में काम करो, उससे आगे मत जाओ। बस यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ, थोड़ा सा लास्ट जोड़ता हूँ, टाइम कितना हूँ देखो 18 मिनट्स, ओके थोड़ा टाइम है मेरे पास, जोड़ता हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कंपेयर करता हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में वही है रॉबिन हुड टाइप, इसे लेंगे उससे देंगे, इतना देंगे उतना देंगे, 1 लाख रुपया सालाना देंगे, युवा को देंगे, इसको देंगे उसको देंगे, ओनली देंगे देंगे, अभी ठका ठका देंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो बहुत बैलेंस है, बैलेंस है क्योंकि 2014 में उनका मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ था नहीं कि 15 लाख बाहर से लेकर सबको बांट देंगे, 2 करोड़ का नौकरी दे देंगे, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक हवा बन गया, हवा बन के बीजेपी के अंग्रेज में ये बुमरेंग करना शुरू हो गया। तो इन्होंने इसलिए इनका मैनिफेस्टो बहुत ज़्यादा प्रोमिस नहीं किया, प्रोमिस किया है नेशनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस रिसर्च, वेरियस थिंग जो कि देश के लिए जरूरी है, बेरोजगारी, प्राइस राइज, ये जो चीज़ें हर जगह पर होता है, हर गवर्नमेंट में होता है। आप जैसे फूड आइटम में जब हम गेहूँ चावल खाते हैं रेट बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पर जो फूड प्रोड्यूसर है फार्मर है, मिल्क का रेट बढ़ता है, फिश का रेट बढ़ता है, क्योंकि आप उनको एमएसपी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उनको पैसा भी गवर्नमेंट खर्चा करता है ताकि उनका
प्रोडक्शन हो, तो जो खर्चा करता है तो MSP देते हैं, वो फार्मर को फायदा होता है, तो वो खर्चा कौन भरेगा? हम लोग भरेंगे ना, क्योंकि एक हमारे ही भाई जो यू नो मिल्क ये प्रोड्यूस करता है, तो वो भी उसका मेहनत का पैसा मिलना चाहिए उसको, तो वो हम भर रहे हैं। जनरली फूड वेजिटेबल्स ये से उसमें जो प्राइस रेंज होता है ना, उसमें हमको एक्चुअली कोई पॉइंट ही नहीं है बात करने का। हम लोग बोलेंगे, मोदी गवर्नमेंट बोलेगा टमाटो 10 रुपये मिलेगा, ऐसा कैसे होता है? जो मेहनत करता है खेती में करता है, टमाटो अगर 30 रुपये होगा तो उसको 5 रुपये मिलेगा ना। हाँ, तो ये चीज़ गलत है। ये जो प्राइस रेंज एंड बेरोजगारी ये से जो रोजगार कमा जो कमाना जानता है उसको बेरोजगार नहीं है। जो अपने ITI करके वो नौकरी नहीं मिला तो ठीक है, उसने इलेक्ट्रीशियन काम कर दिया, हम तो बुला में एक इलेक्ट्रीशियन को अपने घर में थोड़ा सा फ्यूज लगा तो 200 रुपये लेता है एक फ्यूज, हमको चेंज करना नहीं आता, फ्यूज कैसे डालना कैसे लगाना हमको नहीं आता, इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ता है, TV खराब हो गया मैकेनिक बुलाना पड़ता है, AC खराब हो गया मैकेनिक बुलाना पड़ता है, उसको हम देते हैं 1000-1200 रुपये देते हैं, तो वो अगर वो AC मैकेनिक जाके कहीं पर नौकरी करे कितना मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। तो ये सब बेकार की बात है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, थम्पिंग मेजर के ला रहे हैं, और उड़ीसा में भी MP जो इलेक्शन है उसमें BJP को अच्छी सीट मिलेगी, लेकिन MLA जो है जो राज्य का इलेक्शन है असेंबली इलेक्शन है इसमें नवीन बाबू को हिलाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये डन ए लॉट ऑफ गुड वर्क मीन्स फ्री वीज काफ़ी ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये में कुछ काम नहीं किए हैं, जो काम किए थे पिछली काम जितना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो जनरली आंख में दिखने वाला चीज़ जो बीजू बाबू के टाइम में हुआ था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जनता नवीन जी को पसंद करते हैं, और नवीन जी जब तक जिंदा है तब तक BJP उड़ीसा में सरकार नहीं बना सकता है। अभी नवीन जी का एग्नेस्ट में एक चीज़ जा रहा है, वो एक टमिलियन IAS ऑफिसर था, उसको रिटायर करके करके वो एडवाइजर करके पांड्या, ये जो पांड्या का जो चीज़ है उसको एक्चुअली जो ऑपोजिशन काफ़ी ज़ोर से उछाल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उड़ीसा असेंबली में BJD दोबारा आएगा उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो लोकसभा का जो सीट है उसमें BJP को 3-4-5 सीट का फायदा होगा, और अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट में जाएंगे राज्यसभा में अगर BJP कम रहेगा सीट तो भी BJD का साथ में मिलकर अश्विनी वैष्णव को उन्होंने राज्यसभा भेजा, कौन? क्योंकि BJD सपोर्ट किया, तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। स्टेट असेंबली तुम देखो, हमको लोकसभा देखो, हमको देना तो, और राज्यसभा का जब इलेक्शन आएगा तो आप उनको हेल्प करना, कितना सीट क्या है वो पूरा डिस्कस हो चुका है। और राज्यसभा में लास्ट 10 साल में जब भी कोई अच्छा बिल आया कि ये आया तो हमेशा BJP को सपोर्ट किया है। दूसरी बात है, हम जगनमोहन रेड्डी के बाद आ रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में हारेंगे जीतेंगे कोई मतलब नहीं है, जितना भी रहेंगे MP राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी रहेगा ना वो भी अल्टीमेटली BJP को सपोर्ट करेंगे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल आया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल आएगा, हालांकि मोदी जी बोल रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्योंकि अमेंडमेंट जरूरी है, बहुत चीज़ नेहरू का बहुत सारी गलतियों को अभी सुधारने का वक्त आ गया है। बस यहीं पर मैं अपना वीडियो रोकता हूँ, आपको धन्यवाद इतना टाइम मेरा शो देखने के लिए, अगली बार फिर कोई नई टॉपिक लेके हाजिर होगा, जय हिंद।